वेलकम टू यूनिक वाइव स्कूल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन टू आंसर, जो आंसर क्वेश्चन का फ्री ओपन सोर्स है, जिसके जरिए आप लोग वेबसाइट अगर क्रिएट करते हो, आंसर क्वेश्चन वेबसाइट कोरा जैसे वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। और जो स्किप है उसको मैं पहले वीडियो में इंस्टॉल करके आपको दिखाया हूँ। इस वीडियो में हम लोग ये जो सेटिंग है इसका, इस साइट का ये जो सेटिंग है किस तरह से करते हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस साइट का सेटिंग करने के लिए सबसे पहले इस साइट में आपको लॉगिन करना होता है। तो मैं ऑलरेडी मेरा जो एडमिन एरिया है उसमें लॉगिन हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यह जो एडमिन नाम का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर जाना है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हम लोग जाएंगे जनरल सेटिंग में, यहाँ पर जनरल में, उसके बाद ईमेल, यूजर, लेआउट, पोस्टिंग, व्यू लिस्ट, कैटेगरी, परमिशन, पेज, आरएसएस फीड, सब कुछ में एक एक करके हम लोग जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जनरल फील्ड में आते हैं, जनरल क्वेश्चन में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जनरल सेटिंग में एडमिन सेंटर में यहाँ पर आपको आपका जो साइट का नेम है वो डालना है। यहाँ पर आपका साइट का नेम डालना है, तो मैं यही रखता हूँ। आप लोग आपका जो साइट का नेम है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका जो यूआरएल है, वेबसाइट का यूआरएल आपको यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर आपको यूआरएल स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना है। वर्डप्रेस के अंदर ये जो होगा वर्डप्रेस परमालिंक होगा, लेकिन यहाँ पर यूआरएल स्ट्रक्चर यहाँ पर कॉल कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग कोई भी यूआरएल यहाँ पर स्ट्रक्चर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है, इस तरीके से है। अगर आप लोग ये चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग जो है वही रखते हैं, आप लोग कोई भी रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आपका जो साइड है उसका लैंग्वेज यहाँ पर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो इंग्लिश और यहाँ पर यूके, ठीक है। आप लोग अगर और भी लैंग्वेज ऐड करना चाहते हो तो आप लोग लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हो। मैं बाद में आपको दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पर लैंग्वेज ऐड करते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पर थीम सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर फोर्थ थीम है, आप लोग कोई भी थीम को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। और भी थीम अगर यहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हो तो वो भी मैं बाद में दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पर और थीम ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का यह जो थीम है इसको अगर यहाँ पर सेट करते हैं और यहाँ पर सेव ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं तो हमारा थीम टोटली चेंज हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस तरह से हमारा थीम चेंज हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग जो थीम थे वही रखते हैं, वही बेस्ट है, यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर सेव में क्लिक करते हैं। दोबारा से हमारा थीम इस तरह से हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर मोबाइल थीम भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, मोबाइल के लिए अलग थीम और डेस्कटॉप के लिए अलग थीम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। और साइट टेक्स्ट ड्यूरेशन LTR यही रहेगा। अगर आपके पास उर्दू में है, उर्दू में साइट अगर क्रिएट कर दो तो RTL में रखना है, ठीक है। तो मेरा इंग्लिश में है और इसलिए LTR रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्लासिफिकेशन टैग एंड कैटेगरी में है, मैं यहाँ पर नान कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर नान कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर सेव ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जाना है ईमेल सेटिंग में, यहाँ पर ईमेल में, यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेंडर ईमेल। अगर आपके पास आप लोग कोई भी यूजर को ईमेल सेंड करता है ये साइट, तो यहाँ पर नो रिप्लाई एट आपका डोमेन होगा, ठीक है, इस तरह से होगा। तो ऐसे ही है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो ईमेल है, एड्रेस है एडमिन का, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ईमेल एड्रेस फॉर एडमिन मैसेज नॉट शो टू यूजर, ये जो ईमेल है ये यूजर को शो नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद ईमेल एड्रेस व्हेन क्वेश्चन पोस्टिंग, अगर आप लोग ईमेल पाना चाहते हो जब कोई भी यूजर आपका साइट में ईमेल सॉरी क्वेश्चन पोस्ट करेगा, तब तो अगर आप लोग ईमेल लेना चाहते हो तो यहाँ पर टिक मार दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रोवाइड ए पेज फॉर यूजर टू सेंड फीडबैक, तो कोई भी यूजर अगर यहाँ पर सेंड फीडबैक में क्लिक करके आपको फीडबैक देता है आपके साइट के बारे में, तो आप लोग यहाँ पर ईमेल पा सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो अगर आप लोग SMTP आपका साइट में सेट करना चाहते हो तो यहाँ पर टिक मार देकर यहाँ पर आप लोग SMTP सेट कर सकते हो। इसमें आपको SMTP सर्वर का IP एड्रेस डालना है, उसके बाद यहाँ पर सेव चेंज में क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं नहीं करूँगा इसलिए यहाँ पर अनचेक कर देता हूँ। अगर आप करना चाहते हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं बाद में ये लिए वीडियो आपको क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यूजर ऑप्शन में अगर आते हो
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यूजर ऑप्शन में यहाँ पर बहुत सारा सेटिंग है। तो यहाँ पर सबसे पहले सेटिंग है नोटिस एट टॉप फास्ट टाइम विजिटर HTML। तो आप लोग अगर कोई भी यूजर को फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन देना चाहते हो यहाँ पर टिक मार्क देकर यहाँ पर आपको वो नोटिस प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर कोई भी नोटिस डाल देता हूँ, सिंपली मैं यही नोटिस डाल देता हूँ, यहाँ से कॉपी करके ये जो नोटिस है मैं यहाँ पर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अगर सेव में क्लिक करता हूँ तो कोई भी यूज़र अगर यहाँ पर रिलोड करके आपका साइट में आता है तो उस यूज़र को यहाँ पर टॉप में नोटिस शो होगा। लेकिन मेरा मैं पहले से यहाँ हूँ इसलिए मेरे को यहाँ पर कोई भी नोटिस शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यही है नोटिस का वर्ड। ठीक है, इसको हम लोग क्लोज करते हैं। और यहाँ पर कस्टम मैसेज टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर आप लोग कोई भी यूज़र को कस्टम मैसेज देना चाहते हो तो आप लोग दे सकते हो रजिस्ट्रेशन करने की बात। ठीक है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये जो डोमेन है इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हम लोग गेस्ट को ओपन करते हैं और ये जो वेबसाइट है इसको हम लोग ओपन करते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हो ये जो नोटिस है ये शो कर रहा है, ये जो नोटिस है ये हम लोग दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकेंगे। यहाँ पर रिलोड अगर करता हूँ मैं तो यहाँ पर आपको नोटिस मिल जाएगा, ये जो नोटिस है ये यहाँ पर आ गया है। ठीक है, यहाँ पर नोटिस आ गया है। लेकिन यहाँ पर लॉगिन में रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस कोई भी नोटिस शो करना चाहते हो वो भी शो होगा। आपको यहाँ पर कस्टम रजिस्ट्रेशन मैसेज में यही नोटिस में यही को कॉपी करके मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए देता हूँ, आप लोग कोई भी नोटिस डाल सकते हो। यहाँ पर सेव में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज में अभी तक कोई भी नोटिस नहीं है, लेकिन यहाँ पर रिलोड करने के बाद ये जो नोटिस है ये शो होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग यहाँ पर नोटिस भी शो करा सकते हो। ठीक है, उसके बाद टर्म एंड कंडीशन रजिस्ट्रेशन बॉक्स चेक बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करने के लिए यहाँ पर टिक मार देना है और यहाँ पर आई एग्री ये जो नोटिस है ये शो होगा। उसके बाद नोटिस टॉप रजिस्ट्रेशन यूजर, आप लोग और भी नोटिस एड करना चाहते हो रजिस्ट्रेशन पेज में तो यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद कस्टम मैसेज ईमेल रजिस्ट्रेशन, अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करने के बाद कोई भी यूज़र को कस्टम मैसेज देना चाहते हो तो यहाँ पर डाल सकते हो, वो जो मैसेज है उसका ईमेल में पहुँच जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर सेव करते हो, यहाँ पर हम लोग रिलोड करते हैं तो हमारा जो सारा नोटिस है वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, एज ए टिकमार आई एग्री रजिस्ट्रेशन पेज में भी आ गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर जाते हैं ओनली लॉगिन डिफॉल्ट ईमेल नॉट यूजर नेम। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो यहाँ पर अगर मैं लॉगिन फॉर्म में देख सकते हो यहाँ पर ईमेल और यूजर नेम है, अगर आप चाहते हो यूजर नेम देकर कोई भी लॉगिन नहीं करना है तो सिर्फ ईमेल में करना है तो आप लोग ये जो बॉक्स है यहाँ पर टिक मार्क दे सकते हो ओनली ईमेल से लॉगिन होगा। ठीक है, तो ये मैं अनचेक कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे साइड में ईमेल और यूजर नेम दोनों से लॉगिन करे। ठीक है, उसके बाद अलाउ यूजर पोस्ट विद चेंज यूजर नेम, अगर आप लोग चाहते हो आपका जो यूजर है वो आपका जो उसका जो यूजर नेम है वो चेंज करे तो आप लोग यहाँ पर टिक मार्क दे सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी टिक मार्क है। ईमेल मी व्हेन ए न्यू यूजर रजिस्टर, अगर आप लोग चाहते हो आपका साइट में कोई भी यूजर रजिस्ट्रेशन हो उसके बाद आपको ईमेल मिले तो आप लोग यहाँ पर टिक मार्क दे सकते हो। ठीक है, टेम्पररी सस्पेंड न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, अगर आप लोग कुछ समय के लिए आपका साइट में रजिस्ट्रेशन स्टॉप करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर टिक मार्क दे सकते हो। लेकिन मेरा साइट में मैं कोई भी स्टॉप नहीं करना चाहता हूँ रजिस्ट्रेशन करने का तो इसलिए मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो डिसअलाउ यूजर नेम, अगर आप लोग चाहते हो कोई भी यूजर नेम यहाँ पर आपका साइट में नहीं लिए तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर एग्जांपल के लिए ये यूजर नेम है लेकिन मैं और भी यूजर नेम अगर यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर कमा दूंगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आपको कोमा देकर जो यूजर नेम आप लोग यहाँ पर नहीं लेना चाहते हो तो वो यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, इस तरह से यूजर नेम मेरा साइट में अलाउ नहीं है। ठीक है, उसके बाद इनेबल प्रोवाइडिंग
इनेबल प्राइवेट मैसेज बिटवीन यूजर। तो आप लोग अगर चाहते हो कोई भी यूजर प्राइवेटली मैसेज करे तो आप लोग इसको टिक मार्क दे सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरा जो यूजर है प्राइवेटली मैसेज करे, इसलिए इसको अनचेक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इनेबल विल पोस्ट ऑन यूजर प्रोफाइल। अगर आपका यूजर आप उसका प्रोफाइल में पोस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो टिक मार्क है। तो उसके बाद आप पोस्ट पार्ट पेज 10 पेज शो होगा। उसके बाद ए ऑप्शन में अगर आप लोग चाहते हो आपका यूजर प्रोफाइल इमेज यूज करे तो यहाँ पर टिक मार्क देना है। उसके बाद अलाउ अपलोड टू, यहाँ पर टिक मार्क है। उसके बाद मैक्सिमम अपलोड साइज, तो यूजर का अपलोड मैक्सिमम साइज भी यहाँ पर कितना पिक्सल वो आप लोग सेटअप कर सकते हो, यहाँ पर 400 पिक्सल सही है। उसके बाद डिफॉल्ट अगर यूजर का इमेज अपलोड करना चाहते हो और यहाँ पर टिक मार्क देना है, और यहाँ पर आपको डिफॉल्ट इमेज भी अपलोड कर देना है, तो मैं नहीं चाहता हूँ इसलिए मैं यहाँ पर अनटिक कर देता हूँ। उसके बाद आपका जो प्रोफाइल इमेज है उसका साइज यहाँ पर देख सकते हो कितने साइज में यहाँ पर शो होगा। बेसिकली यहाँ पर आपका एडमिन में जाता हूँ यूजर में, और यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल का इमेज शो होगा वो कितने साइज में शो होगा वो यहीं पर आप लोग ये जो सेटअप है इसको सेटअप करके दे सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा फील्ड में यूजर पेज और रजिस्ट्रेशन पेज में अगर कोई भी फील्ड और भी ऐड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट नेम लोकेशन वेबसाइट अबाउट और भी ऐड करना चाहते हो तो ऐड न्यू में क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको फील्ड का नेम देना है। तो मैं यहाँ पर TES, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं नाम देता हूँ टेस्ट फील, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट, मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट, तो आप लोग यहाँ पर दे सकते हो। मैं यहाँ पर मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट देता हूँ, और यहाँ पर कहाँ इसको विजिबल करना है, तो यहाँ पर मैं देता हूँ एनी यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन यूजर रजिस्टर्ड यूजर में एनीबॉडी में देता हूँ। उसके बाद आफ्टर अबाउट यहाँ पर मैं देता हूँ आफ्टर अबाउट में। उसके बाद यहाँ पर सेव में क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं अगर देता हूँ रिलोड करता हूँ तो यहाँ पर आ गया है अबाउट के बाद यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड नाम का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अगर एडिट प्रोफाइल में हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकेंगे टेक्स्ट फील्ड में भी कुछ लिखने का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो फील्ड है वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद और भी आप लोग यूजर टाइटल बेस पॉइंट भी यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है, ये आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लेआउट में अगर जाते हो तो लेआउट में शो ये लोगो इमेज द फर्स्ट हेडर पेज, तो आप लोग अगर लोगो ऐड करना चाहते हो यहाँ पर लोगो का यूआरएल लाकर पेस्ट करना है। उसके बाद लोगो का विड्थ और हाइट यहाँ पर पिक्सेल अगर सेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। उसके बाद कस्टम मैसेज टू साइड बार, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो कस्टम मैसेज है साइड बार में ये आप लोग चेंज कर सकते हो, और यहाँ पर मैं यहाँ पर और भी ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर मैं और भी ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर अगर सेव कर देता हूँ तो यहाँ पर मैसेज शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो वर्क है ये वर्क करता है। उसके बाद कस्टम HTML इन साइड पैनल एवरी पेज, तो आप लोग कोई भी एवरी पेज में ये जो और भी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ। उसके बाद कस्टम HTML टॉप एवरी पेज, यहाँ पर टॉप में शो होगा मैसेज। इस तरह का मैसेज आप लोग ये खुद ही देख लीजिएगा, बॉटम में हेडर में यहाँ पर कस्टम HTML हेडर सेक्शन एवरी पेज, ये जो पॉइंट है ये खुद ही आप लोग देख लीजिएगा, और इस एक एक करके आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो अवेलेबल विजेट, अगर आप लोग कोई भी विजेट यहाँ पर सेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। एक्टिविटी काउंट, आक्स बॉक्स, रिलेटेड क्वेश्चन और कैटेगरी नाम का यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन, ओके ये नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर अगर और भी ऐड विजेट में क्लिक करके विजेट ऐड करना चाहते हो तो विजेट ऐड कर सकते हो, ठीक है। कहाँ ये जो विजेट है ये कहाँ ऐड करना चाहते हो वो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, आप लोग जहाँ ऐड करना चाहते हो तहाँ
ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पर सेव चेंज में क्लिक कर देता हूँ, आप लोग खुद ही ये लोग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पोस्टिंग में अगर जाते हो तो पोस्टिंग में यहाँ पर क्लोज क्वेश्चन विथ सिलेक्टेड आंसर, अगर आप लोग का क्वेश्चन में कोई भी आंसर देते हैं तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा आप लोग अगर यहाँ पर टिक मार देते हो, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ। उसके बाद अलाउ क्वेश्चन टू मैन्युअली क्लोज, ओके ये सही है। अलाउ यूजर टू क्लोज थोर ऑन क्वेश्चन, अगर कोई भी यूजर क्वेश्चन करता है और वो क्वेश्चन को खुद क्लोज करना चाहता है तो कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ जो वो खुद ही क्लोज करे, इसलिए यहाँ पर अनचेक कर देता हूँ। अलाउ यूजर टू आंसर थोर ऑन क्वेश्चन, तो कोई भी यूजर अगर खुद का क्वेश्चन में आंसर करना चाहता है तो वो कर सकता है अगर यहाँ पर टिक मार है तो, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि खुद ही क्वेश्चन करे और खुद ही आंसर करे, इसलिए यहाँ पर अनचेक कर देना है, ठीक है। अलाउ मल्टीपल आंसर पर यूजर, तो अगर आप लोग चाहते हो एक ही क्वेश्चन में वन यूजर मल्टीपल आंसर करे तो आप लोग यहाँ पर टिक मार दे सकते हो, मैं नहीं चाहता हूँ एक ही यूजर मल्टीपल आंसर करे तो इसलिए यहाँ पर अनचेक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अलाउ क्वेश्चन टू रिलेटेड आंसर, तो यहाँ पर टिक मार रहेगा। उसके बाद अलाउ कमेंट ऑन क्वेश्चन, तो अगर आप लोग क्वेश्चन में कमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर टिक मार देना है। अलाउ कमेंट ऑन आंसर, आंसर में अगर कोई भी कमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पर टिक मार है, ओके। उसके बाद यहाँ पर डिफॉल्ट एडिटर फॉर क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो एडिटर है वही रहेगा, बेसिक एडिटर में अगर देते हो तो भी चलेगा लेकिन डिफॉल्ट एडिटर ही रहेगा, तो यही भी एडिटर की कमाल है, ठीक है। तो कमेंट में बेसिक एडिटर होगा। उसके बाद यहाँ पर कस्टम मैसेज ऑन आस्क फ्रॉम, अगर आप लोग यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, आस्क क्वेश्चन में क्लिक करता हूँ, अगर यहाँ पर कोई भी मैसेज यूजर को आप लोग देना चाहते हो तो दे सकते हो, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर टिक मार देकर यहाँ पर यही मैसेज मैं टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर सेव कर देता हूँ तो यहाँ पर मैसेज टी शो होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो मैसेज है वो शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कस्टम फील एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर अगर आप लोग कस्टम फील ऐड करना चाहता हो तो कर सकते हो, यहाँ पर अगर आप लोग कस्टम मैसेज आंसर पेज में ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग कस्टम मैसेज पर कमेंट फॉर्म में अगर ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है, ये आपका मर्जी है, ठीक है। उसके बाद मिनिमम लेंथ क्वेश्चन का टाइटल का मिनिमम लेंथ, ये जो टाइटल है इसका मिनिमम लेंथ कितना होगा वो आप लोग यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो, यहाँ पर 12 कैरेक्टर है लेकिन यहाँ पर मैं 20 कैरेक्टर कर देता हूँ। मिनिमम लेंथ ऑफ क्वेश्चन टाइटल यहाँ पर दे सकते हो, मिनिमम लेंथ ऑफ क्वेश्चन बॉडी, उसके बाद यहाँ पर 0 अगर होगा तो अनलिमिटेड ऐड कर सकता है, ठीक है। मिनिमम लेंथ ऑफ आंसर, तो आप लोग देख सकते हो मिनिमम लेंथ ऑफ कमेंट, ये सब कुछ आप लोग आपका हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेव ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद व्यू ऑप्शन में अगर जाते हो तो यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन टाइटल लेंथ URL, यहाँ पर देख सकते हो URL कितना लंबा होगा वो आप लोग यहाँ पर सेट कर सकते हो, 50 करेक्टर का URL हो सकता है लेकिन इसको आप लोग और भी कम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रिमूव एसेंट फॉर क्वेश्चन URL, यहाँ पर टिक मार देकर आप लोग कर सकते हो। काउंट द नंबर ऑफ क्वेश्चन व्यू, यहाँ पर अगर आप लोग क्वेश्चन का व्यू का काउंट करना चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ओके ठीक है। उसके बाद शो व्यू काउंट इन क्वेश्चन लिस्ट, यहाँ पर टिक मार देकर आप लोग यहाँ पर अगर सेव करते हो तो कितना व्यू हुआ है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, 4 व्यू, 3 व्यू और रिव्यू, ठीक है। इस तरह से वर्क करता है, अगर आप लोग नहीं देखना चाहते हो तो यहाँ पर अनटिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद शो व्यू काउंटर इन क्वेश्चन पेज में भी अगर देखना चाहते हो तो टिक मार देना है, नहीं देखना चाहते हो तो अनटिक कर देना है। उसके बाद रिकैलकुलेट हॉटनेस ऑन एवरी क्वेश्चन पेज व्यू, यहाँ पर टिक मार है, यही रहेगा। उसके बाद अलाउ वोट ऑन क्वेश्चन, अगर आपका क्वेश्चन में कोई भी वोट करना है तो यहाँ पर अलाउ है। वोट फॉर क्वेश्चन ओनली पेज, यहाँ पर वोट कर सकते हैं।
अलाउ वर्ड ऑन आंसर, यहाँ पर आंसर में भी वर्ड कर सकते हैं। अलाउ वर्ड ऑन कमेंट, यहाँ पर कमेंट में भी वर्ड कर सकते हैं। शो सेपरेट अप एंड डाउन वर्ड, यहाँ पर आप लोग कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ तो ये मैं चेक पर नहीं करूँगा। डिरेक्ट एंड लिंक यूआरएल इन पोस्ट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर ओपन लिंक यूआरएल ऑन न्यू टैब, इसको टिक मार देना है, क्योंकि आपका कोई भी अगर लिंक होगा आपका साइट में वो न्यू टैब ओपन होके ओपन हो जाएगा, ठीक है। शो एगो ऑफ यूज़र पोस्ट, आपका जो यूज़र है उसका अगर कितने टाइम पहले वो पोस्ट किया है वो अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पर टिक मार देना है। उसके बाद शो फुल डेट इफेक्ट आफ्टर 7 डेज, इस तरह से दिखाई देगा, 1 डे, 7 डे, 3 डे, इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद शो पॉइंट नेक्स्ट टू यूज़र नेम, ओके, ये सब कुछ आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, यहाँ पर कोई भी सेटअप करने की ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग ये खुद ही देख लीजिएगा वन बाय वन करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेव ऑप्शन में क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद लिस्ट में अगर जाते हो तो लिस्ट में आप लोग क्वेश्चन पेज में, एक्टिविटी पेज में, क्वेश्चन पेज, हॉट पेज, इतने में कितना शो कराना चाहते हो वो यहाँ पर सेटअप कर सकते हो डिफॉल्ट में, ठीक है। सेटअप करने के बाद यहाँ पर सेव ऑप्शन में क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर परमिशन में अगर जाते हो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो व्यू क्वेश्चन पेस, यहाँ पर आप लोग एनीबॉडी दे सकते हो, क्योंकि कोई भी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तब भी हमारा क्वेश्चन यहाँ पर व्यू कर सकते हैं, ठीक है। आक्स क्वेश्चन, यहाँ पर कोई भी यूज़र यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर सकता, सिर्फ रजिस्टर्ड यूज़र कर सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर रजिस्टर्ड यूज़र सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आंसरिंग क्वेश्चन, यहाँ पर रजिस्टर्ड यूज़र आंसर कर सकते हैं। एडिट कमेंट, यहाँ पर रजिस्टर्ड यूज़र कमेंट कर सकता है। वोट क्वेश्चन, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो हम लोग का यूज़र किया है वही यहाँ पर वोट कर सकता है। और यहाँ पर देख सकते हो और भी चीज़ें, यहाँ पर आप लोग ये परमिशन दे सकते हो आपके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, ये आप लोग खुद ही एक एक करके देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सेव में क्लिक करना है, उसके बाद पेज में जाना है। पेज में यहाँ पर देख सकते हो शो नेविगेशन लिंक, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर यूज़र, और यहाँ पर आक्स क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर और भी नेविगेशन ऐड करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर अगर हॉट को ऐड करना है तो यहाँ पर सेव कर देना है, और यहाँ पर देख सकते हो हॉट ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है। और भी आप लोग यहाँ पर अगर पेज ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर ऐड पेज में क्लिक कीजिए, और यहाँ पर पेज का नाम दीजिए, ओके, पेज का नाम दीजिए, और यहाँ पर पोजीशन देना है, नो लिंक, यहाँ पर बिफोर टैप टू टॉप, यहाँ पर कोई भी पोजीशन दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका जो पेज है उसका यहाँ पर कंटेंट देना है, देने के बाद यहाँ पर ऐड पेज में क्लिक करना है, तो आपका जो यहाँ पर न्यू पेज है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो न्यू पेज है ये हमारा यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है। और इसको अगर आप लोग यहाँ पर एडिट पेज में क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। और यहाँ पर अगर लिंक ऐड करना चाहते हो, ऐड लिंक में भी क्लिक करना है, और यहाँ पर टाइटल, और यहाँ पर लिंक देकर ऐड लिंक में क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर RSS फीड में जाना है, और यहाँ पर क्वेश्चन RSS फीड, और यहाँ पर आंसर, रिसेंट एक्टिविटी, हॉट, ये सब का RSS फीड अगर देना चाहते हो तो यहाँ पर टिक मार होगा, टिक मार देने का, ठीक है। तो इस तरह से वर्क करता है। पॉइंट में जाना है, तो आप लोग यहाँ पर पॉइंट सेट कर सकते हो, वन क्वेश्चन में आप लोग यूज़र को कितना पॉइंट दे सकते हो, आंसर में कितना पॉइंट दे सकते हो, वोट करने पर कितना पॉइंट दे सकते हो, पॉइंट भी माइनस भी कर सकते हो, ये आपका साइट का हिसाब से आप लोग खुद ही सेट करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये जो पॉइंट सिस्टम है ये आप लोग खुद ही देख लीजिएगा और यहाँ पर सेटअप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्पैम में जाना है। स्पैम में जाने के बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट कॉन्फर्म ऑफ यूज़र ईमेल, तो यहाँ पर स्पैमिंग रोकने के लिए आपका साइट में, तो आप लोग कोई भी अगर रजिस्ट्रेशन करता है उसको कॉन्फर्मेशन ईमेल देना है, इसलिए यहाँ पर टिक मार है ऑल
न्यू यूजर मस्ट बी कन्फर्म ईमेल एड्रेस या पर टिक मार देना है। कोई भी यूजर अगर रजिस्ट्रेशन करता है उसको मस्ट ईमेल एड्रेस को कन्फर्म करना ही है, तब आपके साइट में लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो खुद ही यहाँ पर इनेबल मॉडरेटर आपको, आप लोग खुद ही यहाँ पर आप मैनुअली अप्रूव कर सकते हो यूज़र को। और यहाँ पर यूज मॉडरेटर ईमेल नॉट कन्फर्म यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर स्पैमिंग रोकने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है, ये आप लोग आपके साइट में किस तरह से स्पैमिंग रोक सकते हो ये आप लोग खुद ही सेटअप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मेरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर कैचिंग में जाना है और यहाँ पर इनेबल कैचिंग में टिक मार देना है। उसके बाद कैचिंग ड्राइवर यहाँ पर अच्छे ही हैं। उसके बाद सेव ऑप्शन में क्लिक करना है, कैचिंग डायरेक्टरी नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये जो PHP एक्सटेंशन है ये इंस्टॉल नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको नहीं रखेंगे और कैचिंग को भी हम लोग अनचेक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का जो डाटा है, कैचिंग का डाटा है, वो आप लोग यहाँ से डिलीट कर सकते हो, यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्टेटस में जाना है और आपका साइट का जो डाटाबेस है, यहाँ पर आपका साइट में जो ये जो भाषण है, इसका भाषण, डाटाबेस साइज, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाएगा। टोटल क्वेश्चन, टोटल कमेंट, टोटल आंसर, सब कुछ यहाँ पर शो होगा। आपके डाटाबेस साइट, माई SQL भाषण, PHP भाषण, सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेलिंग में जाना है और यहाँ पर आप लोग इनेबल मास मेलिंग, आप लोग अगर किसी को, आपका यूज़र को मेल करना चाहते हो तो यहाँ पर फॉर्म देना है, आपका साइट का टाइटल और यहाँ पर सब्जेक्ट, और यहाँ पर आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हो तो यहाँ पर मैसेज टाइप करके यहाँ पर सेंड मी टेक्स्ट में क्लिक करना है। सबसे पहले आपको टेक्स्ट मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर सेव ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद स्टार्ट मेलिंग में क्लिक करके आप लोग कोई भी यूज़र को मेल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्लगइन ऑप्शन में अगर जाते हो तो यहाँ पर बहुत सारा प्लगइन होगा। यहाँ पर बेस एडसेंस का प्लगइन भी हैगा, अगर आपके साइड एडसेंस में अप्रूव है तो आप लोग ये जो इसको इनेबल करके इसका सेटिंग वगैरह करना है। उसके बाद इवेंट लॉगर, एग्जाम्पल पेज, फेसबुक लॉगिन भी कर सकते हैं, इसको भी इनेबल कर सकते हो। यहाँ पर कैप्चा, टैग विजेट, यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर XML साइट मैप को ऑफकोर्स यहाँ पर इनेबल करके सेव कर देना है, तो आपका साइट में साइट मैप ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी वो बहुत सारा यहाँ पर प्लगइन होगा, उसको आप लोग थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड करके यहाँ पर इंस्टॉल करना है। किस तरह से प्लगइन को आप लोग इंस्टॉल करोगे वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मॉडरेटर में अगर जाते हो तो यहाँ पर आप लोग मॉडरेट कर सकते हो कंटेंट अप्रूव के लिए। कोई अगर आप लोग सेट करके रखे हो कि आप लोग मैनुअली पोस्ट को अप्रूव करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर कंटेंट दिखाई देगा, आप लोग वो जो कंटेंट है उसको चेक करके यहाँ पर अप्रूव कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जाना है और यहाँ पर कोई भी एरर शो नहीं हो रहा। उसके बाद हिडन में अगर जाते हो तो यहाँ पर नो हिडन कंटेंट भी शो हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से जो सारा सेटअप है ये सेटअप कर सकते हो, तो मैं सब कुछ आपको दिखाया हूँ एक एक करके। ठीक है, तो इस वीडियो फिलहाल इतना ही। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा जो यूनिक वेब स्कूल यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।